ऑप्टिक्स। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट नेचर ऑफ लाइट। फिजिक्स का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें हम लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, वही ऑप्टिक्स कहलाया। अब बात उठता है लाइट का नेचर। अब बेसिकली लाइट का नेचर था क्या? कई साइड सारे साइंटिस्ट आए, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच लेकर के आए, अलग अलग व्यू दिया, अलग अलग थीसिस आया, और फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे निकले कि लाइट के पास जनरली दो करेक्टर होते हैं, या तो उसके पास रे बिहेव होता है या इसके पास वेव नेचर होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इसके पास रे नेचर था तो हम लोगों ने इसका नाम दे दिया रे ऑप्टिक्स, और अगर इसके पास वेव नेचर था तो हम लोगों ने नाम दे दिया इसका वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट्स मिलेंगे इस टॉपिक में। पहला मिलेगा हम लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और सेकंड टॉपिक मिलेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। पहला नाम मिलेगा हमें इंटरफेरेंस, और दूसरा मिलेगा हम लोगों को डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी दो पार्ट्स मिलेंगे हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। उसी प्रकार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी दो पार्ट्स थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्लेन सरफेस। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। इससे पहले कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस के बारे में स्टडी करें, हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो देखते हैं क्या होता है। मान लिया जाए एक मिरर है, हमने इस सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया है, एंड यू नो दिस इज अ प्लेन मिरर। मान लो एक प्लेन मिरर है, आप जानते हो इसे क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्मल, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। एक लाइट ऐसे आ रहा था तो हमने इसका नाम दे दिया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। हमने इसका नाम दिया आर से, आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्टेड रे। एक दो बात हमें और समझना होगा। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे यहां पर। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जो पहला लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल. बेसिकली लॉ कुछ और था, इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई और आगे जाके करेंगे. पहले ये जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मतलब ये एंगल आई और ये एंगल आर इक्वल होगा. जैसे हमें ऐसे बोला जाए कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, दिस इज नॉर्मल, एक लाइट 30 डिग्री एंगल के साथ आ रहा था तो कितने के एंगल के साथ वापस जाएगा? ऑफ कोर्स 30 डिग्री एंगल के साथ जाएगा. दिस इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ कि अगर 30 के साथ आ रहे थे 30 के साथ ही जाएगा. अब इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी कोप्लैनर वेक्टर. ये तीनों के तीनों कोप्लैनर है. अब देखो कोप्लैनर क्या होता है. तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो हम उसे कहेंगे कोप्लैनर वेक्टर हो गया. अब जैसे मान लो यहाँ पर तीन वेक्टर्स थे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी. अगर ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि तीनों के तीनों कोप्लैनर वेक्टर हैं. और कोप्लैनर वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लैनर वेक्टर देन इसका जो ब्रैकेट होगा वो जीरो के बराबर होगा. अब इसके ब्रैकेट जीरो होने का क्या मतलब है? इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर में पढ़े थे प्लस वन में कि वेक्टर ए ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट मस्ट बी जीरो. चलो इसको भी हम लोग एनालाइज इस प्रकार करते हैं. इफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर कोप्लैनर वेक्टर्स देन इसकी जो ब्रैकेट होगी आई एन आर मस्ट बी जीरो. इसका मतलब इसके क्या होगा? ट्रिपल प्रोडक्ट आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी जीरो एंड दिस इज द सेकेंड लॉ. चलो अब जो सेकेंड लॉ आया था उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं. अब एक चीज देखो, हमने क्या देखा था कि आई एन आर का ब्रैकेट जीरो के बराबर था. इसका मतलब कि आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी जीरो. जैसे कि आप जानते हो कि ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. और आप देख रहे हो कि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर कहलाएगा. इसका मतलब इससे जो भी क्वांटिटी हमें पता लगेगा 100% वो स्केलर के फॉर्म में होगा. इसका मतलब इससे हम जब भी कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो 100% कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगा. अब जैसे देखो हमें कैसे एंट्रेंस में क्वेश्चन देता है, छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं. मान लो हमें ऐसे बात कह दे कि एक प्लेन मिरर है, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. और हमें कुछ इस प्रकार बोला जाए
we have given if vector I equal to 3i 4j plus 5k, मतलब ये मेरा इंसिडेंट रे गिवन है. अवर नॉर्मल लाइज अलोंग आई प्लस जे प्लस के एंड वी हैव गिवन कि आर इज एक्स आई प्लस टू जे प्लस फाइव के. मतलब रिफ्लेक्टेड रे में आप देखो हमें क्वेश्चन में जैसे कि कह रहा है एक क्वांटिटी को मिसिंग कर दिया गया है. तो हमें पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब देखो यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में दिख रहा है मुझे. हम कहाँ से एनालाइज करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, जरा सोचते हैं इसके ऊपर में. हम कुछ इस प्रकार कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए था. इसका मतलब ये तीनों के तीनों को प्लैनर वैक्टर थे. और अगर ये को प्लैनर हैं तो इसकी ब्रैकेट जीरो के बराबर होनी चाहिए. हम इस प्रकार कह सकते हैं बच्चों कि आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी ज़ीरो. हमें सबसे पहले हमें एन क्रॉस आर पता करना होगा. चलो एन क्रॉस आर निकाल के देखते हैं. आपको याद है ना कैसे किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट. हम कुछ इस प्रकार लगाएंगे कॉन्सेप्ट. हमें एन को आर के साथ क्रॉस करना है तो सबसे पहले लिखेंगे आई जे के. अब आप देखो एन क्रॉस आर, इसकी कोफिशियंट देखिए 1 1 1 1 1 1. ये कितना है एक्स 2 5. अब हमें करना क्या है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस. चलो क्रॉस करके देखते हैं. यहाँ शुरुआत करें आई 5 माइनस 2 into 1 2. जे ऑलरेडी नेगेटिव टर्म, जे नेगेटिव. जे के लिए हम क्या कहेंगे 5 माइनस एक्स. और के लिए क्या बोलेंगे हम लोग 2 माइनस एक्स. अब चेक कर लो एक बार फिर से. आई के लिए 5 into 1 5, 2 into 1 2, 5 minus 2. जे के लिए 5 into 1 5, x into 1 x. के लिए 2 into 1 2, x into 1 x. ओके नाउ दिस इज 3i, माइनस कॉमन ले लिया जाए, प्लस एक्स माइनस 5 j, प्लस 2 minus x k. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चों n क्रॉस r. ये हमारा n क्रॉस r का वैल्यू निकल चुका है. अब हमें करना क्या है, हमें i के साथ डॉट कर देना है. अब आप देखो आपके को तो डॉट बहुत अच्छे से आता है डॉट करना. डॉट का तरीका क्या होता है बच्चों, हमें i डॉट n क्रॉस r करना है और इस ये जो भी निकलेगा उसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे. अब यहाँ पर देखो ये 3 है और ये कितना है 3 है. 3 3 9, ये 4 और ये देखो 4 into x minus 5, ये कितना है 5. 5 into 2 minus x, एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस तो डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो. नाउ हम इस प्रकार कहेंगे कि 9 plus 4x minus 20 प्लस 10 माइनस 5x इक्वल टू ज़ीरो. 10 19 20 माइनस 1 इक्वल टू एक्स. हेंस द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 1. चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते. मान लो हमें कुछ इस प्रकार कह रहा है कि ये मेरा एक प्ले मिरर गिवन है बच्चों, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आई एन आर. वी हैव गिवन
incident rays 5i 6j plus 8k. नॉर्मल गिवन है हमें बच्चों i प्लस j प्लस k. रिफ्लेक्टेड रे गिवन है 3i 2j प्लस सी के. अब आप देखो यहां पर एक क्वांटिटी को मिसिंग कर दिया गया है और आपसे पूछ लिया है कि सी का वैल्यू क्या है. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. चलो आप इसको खुद ट्राई ले लो. चलो चेक करते हैं. देखो क्या कहता है लो कि इसकी जो ब्रैकेट होगी, क्योंकि तीनों के तीनों को प्लैनर वेक्टर्स थे, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों की जो ब्रैकेट होगी वो जीरो के बराबर होने वाले हैं. फिर से मींस हम कह सकते हैं कि आई डॉट एन क्रॉस आर अगेन मस्ट बी इक्वल टू जीरो. चलो अब एक बात बताओ आप, हमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों? एन क्रॉस आर. अभी कर लेते हैं एन क्रॉस आर. एन क्रॉस आर आई जे के. अब देखो क्या क्या गिवन है. वन वन वन. आर क्या गिवन है? तीन दो सी प्लस माइनस प्लस. हम कुछ इस प्रकार सोचेंगे, ये रहा आई. आई के लिए सी माइनस टू. सी माइनस टू. जे के लिए अब आप देखो, जे के लिए सी सी माइनस थ्री. और के के लिए बच्चों टू माइनस थ्री. एंड द डाटा इज सी माइनस टू आई कैप. माइनस कॉमन ले लिया जाए. थ्री माइनस सी जे कैप माइनस के कैप. दिस इज द वैल्यू ऑफ एन क्रॉस आर. अब हम लोग करेंगे क्या, इसके साथ इसको डॉट करेंगे. अब ये देखो ये आई है और ये रहा एन क्रॉस आर. हम दोनों को डॉट कर लेते हैं. अभी कर लेता हूँ. फाइव इंटू सी माइनस टू. सिक्स इंटू थ्री माइनस सी. एट इंटू माइनस वन. एट इंटू माइनस वन. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब आप बताओ, हम कह सकते हैं फाइव सी माइनस दस प्लस अट्ठारह माइनस सिक्स सी माइनस आठ इक्वल टू जीरो. अब आप बताओ, दिस इज माइनस सी अट्ठारह और अट्ठारह जीरो. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू जीरो. एक बार फिर से चेक कर लो. चलो अब अगले टॉपिक पे हम लोग आए. अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. अच्छे से समझना एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है. देखो डेविएशन मतलब होता क्या है. डेविएशन का मतलब होता है जिंदगी में परिवर्तन. अच्छा, जिंदगी में परिवर्तन कैसे होता है? मान लो कोई चीज़ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एकाएक कोई आ गया तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी. मतलब किसी ना किसी रूप में डेविएट किया है. सेम सेफ सिचुएशंस होते हैं लाइट के रूप में. लाइट में भी ऐसे होता है, लाइट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एकाएक कोई चीज़ आ गया तो डेविएट कर जाएगा. तो देखो क्या होता है. मान लो ये कोई मिरर है. दिस इज नॉर्मल. दिस इज इंसिडेंट रे. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. हम इस एंगल को कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस एंगल को कहते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
जैसे कि आप जानते थे पहले से कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, अब यहाँ पर समझो कि ये लाइट जस्ट इस मिरर के ऊपर में बस आते जा रहा था, आते जा रहा था, आते जा रहा था। अगर लाइट को मैं ऐसे छोड़ देता तो लाइट ऐसे चलते जाता, लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ पहुँचा तो इसने देखा कि मिरर है, और जैसे मिरर पे लाइट टकराया तो उसने लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट लाइट चला गया ऐसे। मतलब इस लाइट की ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है। हम कहेंगे इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, एंड एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा। अब आप देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप अच्छे से समझो, आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। हम कह सकते हैं बच्चों कि डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर। जैसे कि आप जानते हो कि आई इक्वल टू आर, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज पाई माइनस टू आई। एक चीज हमें और अच्छे से समझना होगा, अंकल या आंटी, अंकल मीन्स क्लॉकवाइज, आंटी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो लाइट जा तो ऐसे रहा था, लाइट ऐसे मुड़ गया। अब आप खुद बताओ, लाइट ऐसे जा रहा था और लाइट ऐसे यूं मुड़ गया। अब तुम बताओ कि आंटी है कि अंकल है? ऑफ कोर्स आंटी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये घूम चुका है। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखो, यहाँ पर थोड़े से अच्छे समझना। जैसे मान लो हमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन में कहे कि एक मिरर है, हमने एक लाइट को इस पे इंसिडेंट करवा दिया। यू नो, मान के चलो 30 डिग्री एंगल के सहारे। तो मैंने पूछा है आपसे कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब आप खुद एनालाइज करो ज्योमेट्रिकली, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट ये लाइट ऐसे नहीं जाएगा, ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये 30 एंगल के साथ आ रहा था तो इसको 30 एंगल के साथ ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। हम कह सकते हैं डेल्टा प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब डेल्टा इज 120 डिग्री, बट किस सेंस में आप देख रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर गया है। अच्छा, एक चीज़ और देखो आप, हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे, पाई माइनस 2 इंटू 30 डिग्री मीन्स 120 डिग्री, बट किस सेंस में आप दिख रहे हैं आपको? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। चलो आगे देखते हैं फिर। चलो अब कुछ हम लोग प्रॉब्लम एंगल ऑफ डेविएशन के ऊपर में करते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन। थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम लेते हैं, जनरली हमारे एग्जाम में आते ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे मान लो दो मिरर है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम, ध्यान समझना। इन दोनों मिरर्स के बीच में हमने एंगल दे दिया है, चलो 60 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है? 60 डिग्री। और हमने कहा कि एक लाइट को हमने इस मिरर पे 45 डिग्री एंगल के साथ इंसिडेंट करवा दिया। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इस मिरर पे
मान लो इस मिरर का नाम M1 है, इस मिरर का नाम M2 है। हमने इस मिरर पे 45 डिग्री एंगल के साथ लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो मैंने पूछा है आपसे कि फाइंड नेट डेविएशन कितना डेविएशन होगा। चलो इसको एनालाइज करके देखते हैं। हम ये सोचेंगे कि लाइट अगर आते जा रहा था तो लाइट तो यूं सीधी चली जाती, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एकाएक हमने परिवर्तन देखा। क्यों देखा? इस मिरर के आ जाने से, ये जैसे ये मिरर आया तो लाइट को आना चाहिए था ऐसे, बट ये लाइट तो ऐसे चला जाएगा बच्चों। अब आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये 45 डिग्री एंगल के साथ आ रहा है तो इसको 45 के साथ ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी ज़िंदगी की पहली परिवर्तन ऐसे हो गया, हमने इसका नाम Δ1 रखा बच्चों। इसकी ज़िंदगी की पहली परिवर्तन है ये। जब सुनना अच्छे से, हमें Δ1 निकाल लेना है। अभी निकाल लेते हैं। Δ1 निकालने का तरीका π-2i। अब आप बताओ कितने एंगल के साथ आ रहा था? 45 डिग्री के साथ। 2 × 45 डिग्री मीन्स 90 डिग्री। एक बार बताना कि आंटी है कि अंकल है? ऑफ कोर्स अंकल है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इट मीन्स द फर्स्ट डेविएशन इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप अच्छे से समझो कि ये 45 डिग्री है और आप जानते हो कि ये तो नॉर्मल है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री होना था। अब ये देखो, ये 60 है, ये 45 है, ये 105 हो गया। इसका मतलब दिस एंगल इज 75 डिग्री, बिकॉज इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 75 डिग्री एंगल है बच्चों, तो ये इसका नॉर्मल क्या लाया? और आप जानते हो कि ये पूरे एंगल 90 होना चाहिए था। तो अगर ये 75 डिग्री एंगल हो गया तो ऑफकोर्स ये 15 डिग्री एंगल कहलाएगा। अब जरा सोचो कि लाइट 15 डिग्री एंगल के साथ इस मिरर पे आ रहा है, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे बच्चों, लेकिन मैं फिर क्या देख रहा हूँ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इस मिरर के आते ही इसकी ज़िंदगी में फिर से परिवर्तन हो गया। जाना चाहिए था ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे। 15 डिग्री एंगल के साथ आया था तो ये 15 डिग्री एंगल के साथ ही वापस जाएगा। अब आप देखो इसकी ज़िंदगी की दोबारा परिवर्तन क्या हुई है, ऐसे। मैंने इसका नाम Δ2 रखा। जरा सोचो Δ2 कैसे निकालोगे आप? अब फिर से कहोगे π-2i, बट इस बार मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 15 डिग्री, बिकॉज नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। इसका मतलब π-2 × 15 डिग्री, मतलब ये हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री। और अब बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ऑफ कोर्स ये भी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, इसका मतलब 150 डिग्री क्लॉकवाइज। जरा सोचो, हमने इस सिस्टम में दो बार डेविएशन देखा। पहली बार देखा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और दूसरी बार देखा 150 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, तो कहोगे दोनों का सम अप। अब चूंकि सम अप कर रहे हो, अगर ये क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर एक क्लॉक होता, एक एंटी क्लॉक होता, दोनों घट जाता, तब आप बताओ कितना हम लिखें। हम कहेंगे 240 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब नेट डेविएशन हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा बच्चे, एक बात सोचो, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज है, और जैसे कि आप जानते हो कि पूरे एंगल 360 होते हैं, तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में आप ये बोलते हो कि क्लॉकवाइज सेंस ये हो गया 240 डिग्री क्लॉकवाइज है, इसका मतलब 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज दोनों का सम अप 360 होना चाहिए। तो अगर 240 डिग्री क्लॉकवाइज है तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी होना चाहिए, दोनों एक ही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलो अच्छे समझ में आ चुका है। चलो एक बार फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड, मान लो दो मिरर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और बच्चों एक बार हमने फिर से लाइट को इंसिडेंट करवाया और हमने आपको ये बोला कि एक बार फिर से लाइट 45 डिग्री एंगल के साथ आ रहा था। मैंने फिर से पूछ लिया आपसे, फाइंड नेट डेविएशन, कि बताइए नेट डेविएशन कितना है। एक बार फिर से ऐसे सोचना है कि ये 45 के साथ आ रहा था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये चला जाएगा ऐसे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये मिरर आ गया है M1 और 45 के साथ आया था, तो 45 के साथ जाएगा बच्चों। तो क्या इसकी ज़िंदगी की पहली परिवर्तन यही हो गया Δ1? और फटाफट हम लोग Δ1 निकालते हैं। Δ1 क्या हो जाएगा? π - 2 × 45 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री अंकल आंटी, अंकल 90 डिग्री अंकल। अच्छा, एक बार हम Δ2 निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छे समझो, पहले ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल है ये पूरे एंगल 90 होना चाहिए था, और ये 45 है तो 90 - 45 मतलब 45। अब आप देखो, ये 90, ये 45, इसका मतलब इन तीनों का सम अप 180 होना चाहिए था, इसका मतलब ये एंगल 45 होना चाहिए। अब आप देखो, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इसके साथ कितना एंगल बनाता है? 90। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी बच्चों क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जरा सोचो, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस मिरर के आते ही एक बार लाइट फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 45 के साथ आया था तो 45 के साथ चला जाएगा, और हम लोग फिर से कहेंगे कि सेकेंड टाइम डेविएशन इस प्रकार हुआ होगा Δ2। अब Δ2 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम? π - 2 × इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री, अगेन क्लॉकवाइज। आप चेक कर सकते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार दोनों बार डेविएशन इसका हुआ है क्लॉकवाइज सेंस में। तो मैं पूछूंगा नेट डेविएशन कितना हुआ? नेट डेविएशन हो जाएगा Δ1 + Δ2, मीन्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और क्या बच्चों, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज दोनों का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन था कि दो मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स के बीच में इस बार मैंने एंगल 30 डिग्री कर दिया, और हमने फिर से बोला कि बच्चों लाइट 45 डिग्री एंगल के साथ ही आ रहा है। देखो एक बात और बताता हूँ, आप कितना भी एंगल ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है 45, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो रहे हैं। आप 10 ले लो, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फिर से लाइट को 45 डिग्री एंगल के साथ भेज दिया, और मैंने एक बार फिर से पूछा कि फाइंड द नेट डेविएशन, नेट डेविएशन कितना होगा। आप ऐसे सोचो कि लाइट यूं आ रहा था, ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना कि लाइट 45 के साथ आ रहा था, यू नो ऐसे लाइट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, इसको ऐसे आना चाहिए था और ये ऐसे चला जाएगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा बच्चों, और मैं कह सकता हूँ कि इसकी ज़िंदगी की पहली परिवर्तन है ये Δ1। अब आप देखो, मैंने कुछ ऐसे सोचा कि इसकी ज़िंदगी की पहली परिवर्तन क्या हो गई? π - 2 × 45 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री, कैसा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑफकोर्स क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है मुझे ये। मुझे थोड़ा सोचना होगा यहाँ, बहुत अच्छा केस है बच्चों। देखो ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, बिकॉज दोनों का सम अब 90 होना चाहिए था ये वाला पूरा। ये 30, ये 45, तो ये एंगल कितना हो गया? 105 डिग्री। यही तो दिक्कत है,
ये नॉर्मल नहीं हो सकता, ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज 105 यहाँ है तो ये नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसका नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, इसका नॉर्मल कुछ इस प्रकार होगा, ये रहा नॉर्मल। अब आप बताओ ये पूरे एंगल 105 थे, ये नॉर्मल हो गया, इसका मतलब लाइट 15 डिग्री एंगल के साथ आ रहा था, और अगर ये 15 के साथ आ रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, और 15 के साथ आ रहा है तो 15 के साथ ही वापस आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 डिग्री होगा। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पर थर्ड टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, सोचना यहाँ पर, लेकिन चूंकि हमसे दो ही बार रिफ्लेक्शन पूछा है तो बात ख़त्म कर दो। तो चलो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि इसका अगला डेविएशन कौन सा होगा, ये डेविएशन होगा, बिल्कुल इसको जाना चाहिए था ऐसे और चला गया ऐसे, मतलब ये डेविएशन हो गया। इट मीन्स डेल्टा टू इज पाई माइनस 2 × 15 डिग्री, मीन्स 150 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? ऑफ कोर्स एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, ये तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पर बहुत अच्छा केस बना है कि मुझे दोनों चीज़ दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज भी दिख रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी दिख रहा है। तो मैंने तो कहा था आपको कि अगर दोनों मिलता है तो घट जाएगा, डोमिनेंट कौन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स हम कहेंगे 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री मीन्स 60 डिग्री, और कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी डोमिनेंसी ज़्यादा था। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो नेट डेविएशन होगा या तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा या 300 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में होगा। चलो तो अब देखो, अभी हम लोगों ने तीन क्वेश्चन किया था, ये मेरा एग्जांपल वन था, ये एग्जांपल टू था और ये एग्जांपल थ्री था। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से एनालाइज करते हैं, इतना समय तो होगा नहीं हमें करने के लिए। अब यहाँ पर देखो इसके टेक्निक देखते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो हम कैसे डील करें। 5 सेकंड में आंसर निकालने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो। अपने को ना ये देखना है, ये चेक करो, अपने को ना बस ये चेक करना है, ये चेक करना है। अब बताओ ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। इस केस में अब करना क्या है, देखो ये एंगल कितना है 60, इसको 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 120। अगर लाइट आ रहा है क्लॉकवाइज तो आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यही तो आंसर था, बड़ी आसान था भाई। अगर ये क्लॉकवाइज है, एंगल कितना है 90 को 2 से गुना कर दो, ये हो गया 180। लाइट आ रहा था क्लॉकवाइज तो आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल यही तो आंसर है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि 30 एंगल है, तो 30 को 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 60। इसका मतलब अगर लाइट आ रहा है क्लॉकवाइज तो आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि अरे ये तो 1 सेकंड में आंसर आ सकता है अगर एक्सपर्ट हो थोड़ा तो, लेकिन ये ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ दो ही रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड है, तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, तब कुछ समझ में आ गया, इससे आगे के टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।